इस वक्त अभी हम मौजूद हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के सरकारी आवास में, और मंत्री क्वार्टर है। और बताते चले कि मुकेश सहनी अब इस बार यूपी विधानसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर बेताब हैं, और इस बाबत बीते दिनों लखनऊ में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यह फूलन देवी की प्रतिमा है, और इनकी कई प्रतिमाएं यहां पर बनाई जा रही हैं। यहां मुंबई से 8 डायरेक्टर पहुंचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में कारीगर हैं, जो अभी फ़िलहाल तो कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लगभग जो जानकारी मिल रही है 20 से 25 की संख्या में इस प्रकार के ये जो मूर्तियां हैं बनाई जा रही हैं। इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है 3 से 4 दिनों में एक सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाएंगे और उसमें मंत्री मुकेश सहनी इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी है कि फूलन देवी की प्रतिमा बनाई जा रही है, काफ़ी संख्या में कारीगर आए हैं, मुंबई से कारीगर पहुंचे हुए हैं, 8 डायरेक्टर पहुंचे हुए हैं, और जिस प्रकार से दलितों और पिछड़ों के नेता मानी जाती थी अति पिछड़ों की फूलन देवी, और उसको कहीं ना कहीं भुनाने को लेकर मुकेश सहनी प्रयास में लग गए हैं, और फूलन देवी की कई प्रतिमाएं उनके सरकारी दफ्तर में बन रही हैं, तैयार की जा रही हैं, और जो जानकारी मिल रही है आने वाले दिनों में ये प्रतिमाएं जब तैयार हो जाएंगी तो यहां से यूपी ले जाए जाएंगी और यूपी चुनाव में इन प्रतिमाओं का उपयोग किया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।